से बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूं। स्टोरी है न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में एक ऐसा एरिया है जहां पे अश्वेत लोग रहते हैं। वहां पे एक डिवोर्सी महिला थी, उसका बच्चा, वो तो भाई घर चलाना है तो डिवोर्सी महिला को तो काम पे जाना पड़ता है, घर चलाना ही पड़ता है। पर वो बच्चा उसके पीछे लफंगा हो गया और बच्चा चाकू रखने लग गया और रोज शिकायतें आती थी उसकी। कोई ना कोई शिकायत कर ही देता था कि आज बच्चा यहाँ चाकू दिखा रहा है, कल वो दिखा रहा है। अभी एक तो सिंगल मदर, उसके बाद बच्चे को संभालना, घर संभालना। अब आप सोचो अगर आपका बच्चा कोई चाकू लेके अगर घूम रहा है तो आप क्या समझाओगे, आप क्या समझाओगे बताओ? आप गलत चीज़ है। और आप उसके, उसकी माँ ने उसको अलग तरह से समझाया। उस माँ ने क्या समझाया कि बेटा देख, अपने गली के कॉर्नर पे जो डॉक्टर रहते हैं ना, इतना बढ़िया चाकू चलाते हैं कि वो चाकू चलाने की कला तू सीख। वो इतने टॉप क्लास डॉक्टर है। अब सुनिए, उसने उस, जब ये बात बता रहे थे उसके जेब में चाकू था, उसको ये नहीं बोला कि तू अपना चाकू बाहर निकाल, उसको क्या बोला कि तू ऐसी चाकू चलाना सीख कि लोगों का दुख दर्द भी दूर हो सके, और इतना बढ़िया तू चलाना सीख कि तेरे पास बंगले हो, गाड़ियां हो, तेरे पास सब हो। तो बोला ठीक है। वो लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई और लड़का जबरदस्त पढ़ाई किया उसके बाद। और वो लड़का कौन बना मालूम है? जॉन हॉपकिंस पीडियाट्रिक सर्जरी का बॉस बना। और जो आपने पहले पढ़ा था ना, सिमेट्री ट्विंस, जो दो बच्चे, दो बच्चों के सिर पकड़ लिए थे, उनका उन्होंने, उस आदमी ने 22 घंटा नॉन स्टॉप ऑपरेशन किया था, 22 आवर्स, और उन दोनों बच्चों को अलग किया और दोनों बच्चे जिंदा है, फुल फुल हेड। और वही बच्चा बाद में बेन कॉर्सल बना जो लास्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन में लड़ा था। तो एक माँ अगर चाहे, एक माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को इनक्रेडिबल बच्चा बना सकती है। माँ के पास जो तरीका समझाने का है वो किसी के पास नहीं, इसलिए माँ का कोई मुकाबला नहीं।